नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई का लिहाज भी दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है सदा सबसे बोलो, अर्थात हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। और सत्य बोलने वाला इंसान थोड़े समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी सुविचार के साथ आज हम अपने गणित विषय की जो पाठ है भूमिति आकृतियां, ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। और इससे पहले वाले भाग में हमने कोण और कोणों के प्रकार, ठीक है, और वृत्त और वृत्त में त्रिज्या, व्यास, जीवा और केंद्र की जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, इस भाग के अंदर हम सीखेंगे कोना अर्थात शीर्ष बिंदु और तथा भुजाएं, और इसमें हम कुछ आकृतियां ही सीखेंगे जिन आकृति को आयत, वर्ग और त्रिभुज कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आयत से। जैसे आप यहाँ पे इस आकृति को देख सकते हैं, ये आयत है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आयत चार भुजाओं के मिलने से बनता है। आप देख सकते हो ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है और ये चौथी भुजा है। ये चार भुजाओं के मिलने से आयत बनता है, चार भुजाओं के मिलने से और भी इस तरह से आकृति बनती है। तो चार भुजाओं का हम इसे चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन चतुर्भुज के भी कुछ प्रकार हैं जो चार भुजाओं से बनते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर बगल वाले जो चित्र में हम देखते हैं वो भी तो चार भुजा से बनाए, तभी तो मैं इसकी पहचान करने के लिए इसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है आयत, ठीक है, तो आयत की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आयत में चार मतलब चार कोने कोने होते हैं, ठीक है, अर्थात भुजाएं होती है। जैसे ये पहला कोण देख सकते हैं, इसको कोण कहते हैं, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण, अर्थात कोने का मतलब होता है भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं प्यारे बच्चों? एक, दो, तीन, चार, चार भुजाएं होती है। और जहां दो भुजाएं मिलती है उस बिंदु को कोना, आप इसे शीर्ष बिंदु भी कह सकते हो, कहते हैं। जैसे देखिए पहली भुजा यहाँ आ रहा है, ये दूसरी भुजा यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे मिल रही है ना, तो इसे हम शीर्ष बिंदु कहेंगे, शीर्ष बिंदु अर्थात कोना भी कहेंगे। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए शीर्ष बिंदु कहते हैं पहले बच्चों, ये बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, तो संलग्न आकृति में आप देख सकते हो ऐसे कितने शीर्ष बिंदु बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं के मिलने से और शीर्ष बिंदु बना। अभी आप देख सकते हो यहाँ शीर्ष बिंदु ब दिया गया है, ये भुजा अ ब और भुजा क ब इन दोनों के मिलने से यहाँ पे बन रहा है। आप देख सकते हो क क भुजा ड क और ब क के मिलने से बन रहा है, और यहाँ पे ड दिया गया है, आप देख सकते हो क ड और अ ड इनके मिलने से यहाँ पे शीर्ष बिंदु बन रहा है। ठीक है, तो संलग्न आकृति में अ ब क तथा ड शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते, अब आपको एक चीज कह सकते हो सेटिक साहित्य के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब ये आकृति आयत है, हम आयत को पहचानेंगे कैसे? आयत को हम इस तरह से पहचानेंगे, देखो ये इसकी एक भुजा हो गई, ये इसकी दो भुजा हो गई, ये इसकी तीन भुजा हो गई और यहाँ पे इसकी कितनी हो गई? चार भुजा हो गई। तो आयत में कितनी भुजाएं हो गई? चार भुजा। ठीक है, और देखो कहाँ कहाँ पे शीर्ष बिंदु बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें ये जो चारों भुजाएं, क्या चारों भुजाएं एक बराबर है? नहीं, देख सकते हो कि ये भुजा और ठीक इसके सामने वाली भुजा दोनों बराबर माप वाले। अगर आप इसे मापोगे, अगर ये 8 सेंटीमीटर आएगा तो प्यारे बच्चों ये भी 8 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर आया तो इसके सामने वाली भुजा मतलब सम्मुख सामने वाली ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा? आयत के जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समान होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई वाले होते हैं। और इसमें जो ये चार भुजा होती है, ये कौन सी भुजा? ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। आप इसको नाम कैसे लिखोगे? ड अ व भुजा, भुजा अ क या भुजा क ड। अगर आपने क ड या ड को लिखा दोनों चलेगा,
ठीक है देखो भुजा अ ब भुजा ब क फिर हम अ ब ब क और भुजा क और ड और फिर लास्ट में भुजा आपको लिख के दिया गया है भुजा और ड ये रहा और ड ये क्या है आयत की भुजाएं हैं अर्थात कितनी भुजा हो गई एक दो तीन चार और आपकी जानकारी से आप अ ब की जगह ब लिखेंगे तो भी चलेगा ठीक है उसके बाद आपको तीसरी जानकारी दी गई है चौथी जानकारी आयत के चारों कोण समकोण होते हैं अर्थात आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं अगर आप यहाँ पे चांदा चांदा आप जानते हैं ना इस चांदे को अगर आप यहाँ पे रख के मापोगे ना प्यारे बच्चों एकदम सीधे सीधे जाएगा और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर से भी अगर आप मापोगे ना यहाँ पे चांदा रखोगे ये भी लाइन एकदम सीधी जाएगी आप चांदे में देखे रहोगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा अर्थात आयत के चारों कोण समकोण होते हैं 90 अंश के होते हैं इसलिए आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं और सबसे बड़ी पहचान आयत को पहचानने की पहले बच्चों इसके आमने सामने की यानी समकोण भुजा समान होती है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने वर्ग की तरफ पहले बच्चों ये देख सकते हो वर्ग भी चार भुजाओं से बना है लेकिन दोनों में फर्क क्या है आपको समझ में आ गया होगा इसमें केवल आमने सामने की भुजा बराबर थी लेकिन यहाँ पे आप देखो इसमें चारों भुजा समान दिखाई दे रही है ठीक है इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे देखो वर्ग में चार शीर्ष कोने होंगे इसमें भी चार शीर्ष कोने आएंगे देखिए पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा शीर्ष कोने का मतलब जहाँ पे दो भुजाओं के संगम से वो बिंदु बने देख सकते हो यहाँ प म और ग म दोनों में बिंदु म समान है यहाँ पे इसलिए हम इसे शीर्ष बिंदु कहेंगे और चार भुजाएं होती है भुजा इसमें कितनी होती है चार एक दो तीन चार संलग्न आकृति में प म देखिए प म ल स और ग वर्ग के शीर्ष बिंदु है ठीक है और वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई वाले होते हैं मैंने अभी आपको बताया आयत में सभी भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है इसमें जो सामने सामने की जो भुजा होती है यानी समभुज भुजा होती है उसकी लंबाई समान होती है जैसे ये दोनों की लंबाई समान होगी ये दोनों की लंबाई समान होगी देखिए इसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी अगर एक चार सेंटीमीटर का होगा प्यारे बच्चों तो चारों भुजा चार चार सेंटीमीटर के होंगे वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं अगर आप यहाँ भी चांदा रख के मापोगे तो ये भी बराबर 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ से मापोगे तो ये भी 90 अंश का कोण बनेगा आप अगर यहाँ से चांदा रख कर देखो सीधी लाइन लेंगे ये भी 90 अंश का कोण बनेगा और ये भी 90 अंश का कोण बनेगा अर्थात वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं दोनों में कुछ समानता आपको देखने को मिला इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है वर्ग आयत में भी चार भुजाएं होती है पहले बच्चों वर्ग में भी चार भुजाएं होती है आयत में भी चार शीर्ष बिंदु होते हैं वर्ग में भी चार शीर्ष बिंदु होते हैं खाली फर्क क्या है इनमें कि आयत में समभुज भुजा समान होती है जबकि वर्ग में चारों भुजा समान होती है अब हम आते हैं त्रिभुज पे त्रिभुज पहले मैं आपको बता दूं त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा जो तीन भुजाओं से बना हो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आप देख सकते हो ये त्रिभुज है ठीक है इसमें कितनी भुजा है एक देखिए नीचे दो और ये तीन ठीक है तो इसमें कितने शीर्ष बिंदु बच्चे बनेंगे प्यारे बच्चों देखो ये पहला और ये दूसरे भुजा से ये एक शीर्ष बिंदु बना फिर देखिए ये भुजा और ये भुजा से यहाँ पे दूसरा शीर्ष बिंदु बना और बाद में ये भुजा और ये भुजा से यहाँ पे तीसरा शीर्ष बिंदु बना अर्थात इसमें तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं ठीक है इसलिए हम इसे त्रिभुज कहते हैं अर्थात तीन भुजाओं से बना हुआ तो देखो त्रिभुज में तीन शीर्ष कोने तीन शीर्ष बिंदु अर्थात कोने और तीन भुजाएं होती है जैसे आपने अभी देखा मैंने आपको एक उसमें सेकंड साइड में दिखाया उसमें कितनी भुजाएं थी तीन ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा ये तीसरी भुजा कितने शीर्ष बिंदु बनेंगे ये पहला शीर्ष बिंदु ये दूसरा शीर्ष बिंदु और ये तीसरा शीर्ष बिंदु तो तीन भुजाएं होती है जैसे इसमें य र ल
इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है अर्थात तीन बिंदु है। और कौन कौन सी भुजा बनेगी इसमें? पहली भुजा बनेगी य ल, दूसरी भुजा है ल ल, और तीसरी भुजा है य और ल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। और प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। देखो तो ये देखिए आपका ये पहला आपका कोण यहाँ बना, देखिए आप यहाँ से भी ये कोण बन रहा है, ये दूसरा कोण बना आपका, और देखिए यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ पे तीन अर्थात तीन कोण बने। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ बच्चों, आपके तो किताब में दिया नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोणों को आप कब किसी प्रकार का त्रिभुज हो अगर आप तीनों कोणों को जोड़ोगे तो सदैव इसका मान 180 आएगा। ठीक है, तो अब इसी के आधार पे आपके पाठ्य पुस्तक में ये दिया गया है एक सारणी, और इसे आपको पूर्ण करना है। जैसे हम पहली आकृति दी गई है किसकी आकृति है? त्रिभुज की, अभी अभी हमने पढ़ा। तो इसमें आपको बताना है भुजाओं के नाम, कितनी भुजा बनेगी अभी अभी बताया गया आपको, इसमें तीन भुजा बनेगी। तो आपको एक भुजा का नाम दे दिया गया है भुजा अ ब, अ ब, तो बाकी दो भुजा हम कौन सी है हम बचे हैं हम लिख सकते हैं। देखिए ये भुजा दिया गया अब, तो दूसरी भुजा हम दे देते हैं कौन सा अ क, लिखते हैं हम भुजा ब क, और ये बच गया आपका तीसरा, तो तीसरे भुजा को हम लिख देते हैं क और अ, भुजा क अ। अब बताइए इसमें कितने शीर्ष बिंदु बनेंगे? एक दो तीन, त्रिभुज में तीन भुजा और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। पहला शीर्ष बिंदु और दिया गया है हमें पाठ्य पुस्तक में, तो बचे हुए कौन से हो गए? ब और कौन सा क। प्यारे बच्चों ये पूरा हो गया। अभी देखिए ये आकृति देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए सामने सामने की भुजा दोनों की बराबर है अर्थात ये आयत है, तो आयत में कितनी भुजा होती है? चार, और चार शीर्ष बिंदु होते हैं। तो देखिए पहली भुजा दी गई आपको क ख किताब में दे दिया गया, दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी? ख और ग, आप लिख दीजिए भुजा ख ग। आप तीसरा बताइए कौन सा होगा? ये होगा, तो तीसरा आप कौन सा लिख सकते हो? भुजा घ ग, तो भुजा ख ग। और चौथा आपका ये ऊपर बच गया भुजा क घ। प्यारे बच्चों ये नाम आप अगर ऊपर पीछे भी लिख दोगे ना चलेगा, ये नाम भी आगे पीछे हो जाएगा तो आप घ ग ग घ भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बताइए इसमें कितने शीर्ष बिंदु होंगे चतुर्भुज में? चार, पहली शीर्ष बिंदु क जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, तो दूसरा कौन सा बच गया? ख, और कौन से है? ग और घ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये भी पूरा हो गया। तीसरा आपको आकृति दे के रखा है, ये किसकी आकृति है? देखो चारों भुजा समान दिखाई दे रहा है वर्ग। ठीक है, तो वर्ग वर्ग में कितनी भुजाएं होती है आपको बताया गया? चार, चार भुजा और चार शीर्ष बिंदु। तो देखिए पहली भुजा दी गई है ट ठ, दूसरा कौन सा होगा? ठ फ, लिखिए भुजा ठ प। तीसरा देखिए कौन सा बनेगा? म और प, लिखिए भुजा म प। और चौथा लिखिए आपका ट और म, तो लिख दीजिए भुजा ट म। तो और कितने शीर्ष बिंदु? चार, पहला दिया गया है ट, दूसरा कौन सा होगा? ठ, तीसरा प, चौथा म। तो देखो हमने चारों भुजाओं और चारों शीर्ष बिंदुओं को यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है सब, और ये जो मैंने आपको सारणी पूर्ण करवाया ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और इस ये आपके साइड पेज क्रमांक 6 पर दिया गया है। और प्यारे बच्चों एक चीज और आपको मैं गृहकार्य के रूप में दे रहा हूँ, जैसा ही मैंने सारणी पूर्ण किया ठीक उसके नीचे एक और सारणी दिया गया आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 6 पर, तो आपको उसे पूर्ण करना है, पूर्ण करके एज अ होमवर्क आपको आने वाले शुक्रवार को क्या करना है? ग्रुप में भेजना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।